यूपी। जिला संवाददाता रिजवान उद्दीन। ब्रेकिंग फतेहपुर। जमीनी विवाद में दो पक्षों की जमकर हुआ बवाल। हवाई फायरिंग के दौरान महिला के पैर में लगी गोली में लाठी डंडे से मारपीट के दौरान अधेड़ व्यक्ति को आई गंभीर चोट। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। डॉक्टरों ने वृद्ध महिला की हालत नाजुक देखते हुए कानपुर किया रेफर। गोली चलाने वाले युवक के खिलाफ पहले से दर्ज है छेड़खानी का मुकदमा। जिले के ललौली थाना क्षेत्र के खुरमा नगर का मामला। साहब आए हमारे खेत में बनाए घर खुरमा नगर रोड में साहब हैं तो ये आए तो फिर पहले कहा कहाँ गए वो हमारे हम वहाँ आज बच्चों सोसाइटी में खाद में नंबर लगाए थे खाद बट गए तो साहब वहाँ गए तो हमारी मम्मी ने कहा हो तो उनको पकड़ में उनका ब्लाउज आई थी तो दाई बोली कहा हो गए तो दाई कहा कि वो हमारे ब्लाउज हमारी चाची गई उसको भी मारा ब्लाउज हाथ दिया तो दाई दाई हमारी तो भाग मार दो मतलब गोली मार दो खाद दिया हमारी कैसे पहले भी घटना कर चुके हैं एक बार पहले कर चुके क्या किए थे आज भाई को कर चुके थे मेरी मेरी चाचा की दोस्त लड़की थी उसके बाद छेड़छाड़ किया था सावरी देवी थी जिनकी उम्र 70 साल थी उनके पैर में चोट लगी थी और ब्लीडिंग बहुत अधिक हो रही थी जिसकी वजह से हमको उनको कानपुर रिफर करना पड़ा। साथ में एक पेशेंट रंजीत आए थे जिनकी उम्र 40 साल थी सिर में मामूली से चोट थी जिनको प्राथमिक उपचार बाद उनकी छुट्टी कर दी गई।